ये था जो अभी तक हम पढ़ चुके पैसिमिस्टिक अप्रोच कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम। अब हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस पर। जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस में आपको पहले भी बताया कि जिसमें हम पहले से तय कर लेते हैं कि इसका पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर बिल फर्ज हम सिर्फ थिंकिंग करते हैं। पैसिमिस्टिक में भी हमने थिंकिंग की कि इसका आंसर गलत होगा पहले से अंदिया लगा के रख लेना, ऑप्टिमिस्टिक में पॉजिटिव अप्रोच रखना तो पहले से तय लगा लेना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। बस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो कॉन्सेप्ट है कंकरेंसी कंट्रोल में, उसने सिर्फ इसको सॉल्व आउट किया कि इसके अप्रोचेस को अगर हम कुछ वर्जन के साथ सेटअप करें तो इनमें जो सोच है थिंकिंग है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच उसमें हम अगर ये अभी मैं सिर्फ नाहव दे रहा हूँ, हम पढ़ने आप शुरू करने लगे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। पैसिमिस्टिक में हम ये अज्यूम करते हैं कि ज्यादातर अज्यूम देखा आगे एक थिंकिंग प्रोपोजिशन आ गया कि जिसमें ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा आ सकते हैं पैसिमिस्टिक में, तो हमें केयरफुली उसको मैनेज करना और उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज पर नजर आए वैलिडेशन, आपकी कंप्लीट जो आप कहते हैं ना कि अपनी जो वैलिडेशन होती है आपकी जो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वैलिडेट हो रहे हैं, जब उनको इजाजत हो जाती है तो वैलिडेशन के तौर पर आ जाती है, जिनका एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो उसके बाद रीड का फिर कंप्यूट का फिर राइट का, यानी कि कंप्यूट का राइट के दरमियान भी किसी किस्म की कंफ्लिक्ट आ जाना उसको पैसिमिस्टिक कहते हैं। और आ जाना कंसेप्ट हमने उसी को रिज्यूम किया है, उसी को सॉल्व आउट किया। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक में हम ये रिज्यूम करते हैं के लेस चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखना, मैं जो बार बार आपको बता चुका हूँ वो इसने बुक में जिस तरह उसको मेंशन किया हुआ है वो भी मैंने आपको लिख दिया। ऑप्टिमिस्टिक को वो कैसे अज्यूम कर रहा है और आप पेसिमिस्टिक को कैसे अज्यूम कर रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अज्यूम करना कि वहां पर कंफ्लिक्ट ऑपरेशन का ज्यादातर कॉन्सेप्ट आ सकता है तो हमें केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक में हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये थिंकिंग करते हैं के कंफ्लिक्ट के चांसेस कम से कम होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, और सो हमारी जो वैलिडेशंस हैं आखिर स्टेज तक हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव थिंक रखना कि एट द एंड हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसकी वर्जन देखें, रीड का ऑपरेशन, उसको कंप्यूट किया, उसकी वैलिडेशन की, एक्सेप्टेंस की, फिर राइट कर दिया। ये एक एक्सेप्टेंस की अप्रोच है। अब ऑप्टिमिस्टिक को स्टार्ट हमारा ये है, हर ट्रांजेक्शन को हम एक सब ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करे। ऑप्टिमिस्टिक में सब ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। और जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में स्लाइड में नजर आ रहा है, टी आई जे मीन्स ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट साइट पर करनी है आई ओ जे के हिसाब से, यानी कि ट्रांजेक्शन आई ली है और जो एग्जीक्यूट साइट पर करनी है वो जे के हिसाब से। ट्रांजेक्शन रन इंडिपेंडेंटली एट ईच साइट अंटिल दे रीच एंड ऑफ द रेड फेजेस, तब तक ये चलती चले जाएंगी इंडिपेंडेंट जब तक उसका एंड ऑपरेशंस जो है वो रीड फेज तक ना पहुंच पाए। यही हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो जो भी सब ट्रांजेक्शन्स हैं उनको उन पर एक अब उनको हम ले रहे हैं टाइम स्टैम्प के हिसाब से, हालांकि ऑप्टिमिस्टिक में भी टाइम स्टैम्प आया और ऑप्टिमिस्टिक में भी डेडलॉक आपके पास लॉकिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब आपके पास जो ट्रांजेक्शन के सब ट्रांजेक्शन हैं उस पर अगर आप टाइम स्टैम्प मेंशन कर दें या साइन कर दें तो जाहिर सी बात है उनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द रेड फेजेस तक हम पहुंचने में आसानी हो जाएगी। और जब वैलिडेशन हो जाती हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि आपका जो टेस्ट है वो सेप्ट हो जाता है। आफ्टर दैट वैलिडेशन टेस्ट इज परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ राइट ऑपरेशंस। तो जब सब कुछ कंक्लूड हो जाता है तो आप क्या करते हैं आप उसके ऑपरेशंस को राइट करते हैं। अब कुछ वैलिडेशंस हैं जो कि तीन वैलिडेशन टेस्ट में करता हूँ। एक टेस्ट है कि अगर आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन जहां पर ट्रांजेक्शन टी के प्रोसीड करता है ट्रांजेक्शन टी आई जे हैव कंप्लीटेड देयर राइट फेज बिफोर टी आई जे स्टार्टेड इट्स रेड वैलिडेशन
वैलिडेशन सक्सीड होती है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए। अब आपको इसको इमेज से भी समझा देता हूँ। आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कि ये आपको नजर आ रही है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास ट्रांजेक्शन में रीड का ऑपरेशन, वैलिडेट का ऑपरेशन और राइट का ऑपरेशन, और उसमें जब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है टीके की, उसके बाद रीड सेकंड ट्रांजेक्शन का राइट का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। एक ये वैलिडेशन ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने लिया, ठीक है, वैलिडेशन ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट ये लिया है जो आपने अभी मैंने आपको एक टेस्ट ये लिया। सेकंड ये था, तब अगर इस तरह भी केस आए कि एक ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो फिर दूसरी का रेड का ऑपरेशन आए तो वैलिडेशन सक्सेसफुली समझी जाती है। सेकंड टेस्ट, अगर आपके पास ट्रांजेक्शन टी के और टी आई जे वो दोनों ही ऐसे प्रोसीड करें, उसमें ये हो कि जब आपका राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था पहली ट्रांजेक्शन में, उसी दौरान रीड का ऑपरेशन आ गया सेकंड ट्रांजेक्शन में, तो उस केस में भी आपकी वैलिडेशन सक्सीड करेगी। ये पॉसिबिलिटीज हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या केस स्टडीज आपको प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, बुक से ही रिलेटेड सारा डाटा है कि अगर उसी दौरान राइट के ऑपरेशन के दौरान अगर यहाँ पर मसला आता राइट के ऑपरेशंस में, रीड का ऑपरेशन आता राइट का ऑपरेशन आ जाता तो फिर सक्सीड नहीं होनी थी, लेकिन राइट के ऑपरेशन में साथ ही रीड का ऑपरेशन भी कंटिन्यू हो गया तो तब भी आपकी वैलिडेशन टेस्ट जो है वो सक्सीड हो जाएगा। जैसे कि राइट का ऑपरेशन जो भी आपके पास है उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो वो आपका इंटरसेक्शन में आपको कुछ मिलता तो नहीं है, राइट राइट हो तो फिर ही कुछ मिलेगा, राइट और रीड के हिसाब से कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है, वैलिडेशन जो टेस्ट है ट्रांजेक्शन है, उसमें टी के कंप्लीट्स इट्स रेड फेस बिफोर टी आई जे कंप्लीट्स इट्स रेड फेस। मतलब इसका दे कि दोनों एज सेम टाइम पर दोनों का, जैसे ही ये देखे ये जो थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा है, जैसे ही पहले टीके के ऑपरेशंस का रेड का ऑपरेशंस फॉल हुआ यानी कि कंटिन्यू हुआ, उसके मिड से पहले पहले ही ट्रांजेक्शन टी आई जे का ऑपरेशंस कंटिन्यू हो गया। तो अगर ये केस आ जाए उस केस में भी आपकी वैलिडेशन सक्सीड करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि रीड के ऑपरेशन में रीड हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है, ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो तीनों केसेस में वैलिडेशन टेस्ट में किसी किस्म का फर्क नहीं आएगा। ये थे तीन वैलिडेशन टेस्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक टेक्निक्स जो है, क्योंकि ज्यादातर कंकरेंसी की इजाजत देती है और ज्यादातर ये ऑप्टिमिस्टिक टेक्निक्स जो है आपके ज्यादा एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन जब आने लगते हैं तो उसको एक्सेस करना एक ही टाइम में, तो वहां पर एक कहते हैं हिम्मत चाहिए होती है। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक कौन सा बेस्ट है? बेस्ट है ऑप्टिमिस्टिक है कि आप पहले से एक तय कर लेते हैं कि ये अगर मैं इसको पॉजिटिव थिंकिंग से एंड करूंगा तो इसका सोल्यूशन अच्छा ही होगा। लेकिन अगर पेसिमिस्टिक में पहले से ही आप अपनी लाइफ का पहले से डिसीजन कर लें कि ये मेरे से नहीं होगा तो वाकई ही वो नहीं होता, जब तक अपना माइंड सेट नहीं कर लेते वो चीज में आप परफेक्ट नहीं होते। So need more storage for the validation test. तो अगर हमें और ज्यादा validation test की जरूरत भी पड़े तो हम उसमें ले सकते हैं, लेकिन जो बार बार repeat हो रहा longer transaction के लिए वहां पर failure repeated भी आ सकते हैं, वहां पर transaction fail भी हो सकती है कुछ। यहाँ पर जो हमारा concept है हमने finalize कर लिया, हमारी जो आज यहाँ तक कंकरेंसी कंट्रोल का जो टॉपिक चैप्टर नंबर 11 आज एंड हो चुका है। यहां तक जितना भी फाइनलाइज डिस्कशन हमारी हुई है जिसमें कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में रीड आउट करवाया मैंने, फिर उसके बाद उनके शेड्यूल्स या हिस्ट्रीज बताई मैंने आपको, फिर उसके बाद इनके एल्गोरिदम्स में पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, उसमें मैंने आपको लॉकिंग बेस्ड
टाइम स्टैम्प बेस्ड, और इसको वन बाय वन डिस्कस किया।